हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी हैकर्स में। हाजिर हम फिर से एक वीडियो के साथ, एक नया कमाल का एक्सपेरिमेंट लेके आपके सामने। गाइस, आज के इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास है आधा ग्लास पानी, एक बीटाडीन जो कि आप जानते ही होंगे, ये लिक्विड बीटाडीन है जो कुछ इंजरी या कुछ चोट वगैरह लग जाए तो उस पर लगाने के काम आती है। दोस्तों, ये है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन चारों लिक्विड्स को, तीनों लिक्विड्स को पानी में वन बाय वन डालेंगे थोड़ा थोड़ा और देखेंगे कि किस तरीके का रिएक्शन हमें मिलता है। गाइस, इसमें हमने बीटाडीन डाल लिया है ग्लास में और हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे। सो गाइस, अभी आप इसमें देख सकते हैं कि इसका कलर कितना डार्क है, बीटाडीन का कलर कितना डार्क है। अब हम इसमें डालेंगे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा। सो गाइस, अब आप देखेंगे कि इसका कलर पहले से बहुत ज्यादा लाइट हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको भी दो ही ढक्कन डालेंगे, इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए धीरे धीरे लाइट होता होता और ये हमारा पूरा कलर बीटाडीन का गायब, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड ने पूरा का पूरा ये वापस से ट्रांसपेरेंट कर दिया है। आपको दिख रहा होगा कहाँ गया बीटाडीन का कलर, पता नहीं कहाँ है। आप सबसे मेरी हाथ। दोस्तों, मुझे मालूम नहीं बीटाडीन का कलर कहाँ उड़ गया। अगर आप लोगों को पता हो कि ये रिएक्शन किस वजह से हुआ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी देखा किस तरीके से जब हमने बीटाडीन के लिक्विड बीटाडीन के अंदर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और हाइड्रोजन को मिक्स किया तो सारा का सारा बीटाडीन का कलर पूरा गायब हो गया। हमें एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिला जिसके अंदर कोई देख के बता ही नहीं सकता कि ये इसके अंदर बीटाडीन भी मिक्स है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।